हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसएच एच फैशन वर्ल्ड आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सी सॉक्स लेकर के आई हूँ ये देखिए आज हम सॉक्स की बुनाई सीखेंगे और ये जो सॉक्स है मैंने बनाई हुई है नाइन से टेन ईयर तक के बच्चे को बहुत आराम से ही सॉक्स आ जाएगी अगर आप भी बनाना चाहते हो तो आपको मेरे साथ वीडियो को पूरा देखना है वीडियो अगर पसंद आएगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं हम ये सॉक्स किस तरह से बनाते हैं बहुत सारों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जैसे एडी किस तरह से बनाते हैं हम सॉक्स के ऊपर तो वीडियो पूरी देखिएगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा देखिए ये सॉक्सम और ये सिर्फ आप छोटे बच्चों को ही नहीं सिर्फ 10 साल के बच्चे को नहीं इसको वीडियो को देखने के बाद आप बड़ों को बना सकते हो उसे छोटे को बना सकते हो सारे डिटेल में मैं वीडियो आपको देने वाली हूं सो चलिए स्टार्ट यहाँ पर देखिए मैंने दूसरी जो सॉक्स है वो स्टार्ट कर दी है क्योंकि इसको ऊपर से बनाना बहुत इजी है कोई भी मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर मैं चलिए बताती हूँ मैंने यहाँ पर इस का जो डिजाइन डाला है वो आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हो या आप सिंपल भी इसको बना सकते हो सो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं मैंने किस तरह से बनाई हुई है ये तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कितने फंदे डाले हैं यहां पर मैंने डाले हैं 44 स्टिचेस मैंने यहां पर चौतालीस फंदे यहां पर इस सॉक्स को बनाने के लिए डाले हैं उसके बाद मैंने इसका बॉर्डर बनाया है दो फंदे सीधे दो उल्टे का मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है और कुछ लाइनें देखी मैंने यहां पर इसकी जो पर्पल कलर है उसकी बनाई है बाकी यहाँ पर मैंने स्किन कलर की बनाई है इस तरह से ये जरूरी नहीं है आपने इसी तरह की बनानी है आप कोई भी कलर इसमें बना सकते हो उसके बाद मैंने ये यह डिजाइन यहाँ पर डाला हुआ है फिर सेम देखिए वही चौतालीस फंदे यहां पर कुछ भी कटाना बढ़ाना हमें नहीं है सिर्फ मैंने यहां पर चौतालीस फंदे डाले हैं और उसके बाद मैंने सीधा सीधा इसकी बुनाई कर ली है और ये जो लंबाई है ये आपको कितनी रखनी है ये आपको जितनी भी लंबी सॉक्स चाहिए उसी हिसाब से आप इसकी लंबाई रख सकते हो इतनी आपने लंबी ये रख लेनी है ठीक है अब उसके बाद हम क्या करेंगे जैसे अगर आपकी सॉक्स की लंबाई देखिए यहां तक अगर हो गई है सॉक्स की लंबाई आपको जितनी भी लंबी आप रखना चाहते हो उतनी आप लंबी इसको यहां तक बुन लीजिए फोर्टी फोर स्टिचेस लगा के आपने क्या करना है थोड़ा सा अगर इस तरह से बॉर्डर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो लगभग तीन से चार इंच आप इस तरह से बॉर्डर बना सकते हो उसके बाद आप इसको सीधा सीधा बनाइए या जैसे भी आप डिजाइन डालना चाहते हो उस तरह से आपने फोर्टी फंदे ये बना लेने हैं उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद यहां पे आ जाइए उसके बाद मैंने क्या किया यहां पे मैंने जितने मेरे पास 44 फोर थे तो उनको मैंने आधा कर लिया जैसे 44 फोर स्टिचेस का आधा कितना होता है बाईस 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 ठीक है जब हम हमारे पास यहां पर मैंने 22 फंदों की बुनाई कर ली और उसके बाद जो आगे वाले 22 फंदे हैं वही मैंने फिर बनाए फिर आगे वाले 22 पंदे ही देखिए कितना हमने बनाना है सिर्फ 22 पंदे यही वाले 22 फंदे मैंने बनाए हैं और इधर वाले 22 पंदे मैंने ऐसे ही रहने दिए हैं अब ये 22 फंदों की कितनी रोज मैंने बनाई है यहाँ पे तो इन 22 फंदों की मैंने 14 रोज बनाई है 14 रो मैंने सिर्फ इन 22 फंदों की बनाई है जो हम एडी बनाएंगे उसकी उसके लिए मैंने यहाँ पर फोर्टीन रोज बनाई है और ये रोज आप कैसे बनाओगे जैसे अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि अगर हम छोटे बच्चे को बना रहे हैं तो हमें कितनी रोज डालनी है या बड़े को बना रहे हैं तो कितनी रोज बनानी है अब उसका सिंपल सा हिसाब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ जिससे आपको एडी बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यहां तक बिल्कुल हमने सेम जितने भी फंदे डाले हो वो हमने सिंपल बनाने हैं जितनी आपको लंबाई चाहिए टांगों में जितनी भी आप पहनना चाहते हो सॉक्स और बाकी उसके बाद हमने फंदों को आधा कर लेना है जितने भी आपके फंदे हैं उनको डिवाइड कर लेना है आधा कर लेना है ठीक है अब आधे फंदे आपको इस तरफ को रखनी है जो आपकी लेफ्ट सॉक्स बनेगी लेफ्ट जो एडी होगी लेफ्ट पांव की जो सॉक्स होगी उसको आपने इस तरफ के आधे फंदे बनाने हैं फोर्टीन रोज और जब आप राइट की बनाओगे जब इस पांव की बनाओगे तो आपने सिर्फ इस तरफ ही फंदे इस तरफ के पाइस फंदे ही ऊपर तक बनाने हैं फोर्टीन रोज इस तरफ के फंदे की ही बनानी है क्योंकि हमारी एडी अलग अलग, अलग पाओ दोनों पाओं की अलग अलग तरफ की होगी राइट की हमारी इस तरफ को बुनी जाएगी और रॉन्ग की जो लेफ्ट की होगी वो इस तरफ को बुनी जाएगी तो अब जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा कि छोटे बच्चों की अगर बना रहे हो तो किस हिसाब से रखेंगे और बड़े की बना रहे हो तो किस हिसाब से हम ये जो एडी है उसकी बुनाई करेंगे ऊपर तक हमने कितनी रोज उसकी बनानी है तो यहां पर मैं आपको बता देती हूं कितनी रोज बनानी है तो जैसे आपने मेरे यहाँ पर 22 फंदे हैं तो इनको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेना है ठीक है तीन हिस्सों में हम डिवाइड कर लेंगे जैसे तीन हिस्सों में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा यहाँ पर होता है जैसे सातियां इक्कीस और प्लस एक बाईस तो मतलब सात सात फंदे मेरे इस तरफ रहेंगे सात मेरे इस तरफ रहेंगे सात मेरे इस तरफ रहेंगे और आठ मेरे फंदे बीच में रहेंगे जितने भी आप इसी कोई भी किसी बड़े के लिए सॉक्स बना रही हो छोटे के लिए बना रही हो किसी के लिए भी सॉक्स बना रही हो तो आपने फंदे को तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेना है ती, तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया बीच में चाहे एक आपका ज्यादा हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उससे कोई भी आपका ही फर्क नहीं पड़ेगा तो सात मेरे यहां हो गए सात मेरे यहाँ गए और आठ मेरे यहाँ पे हो गए अब जो इधर के साथ हैं और इधर के साथ हैं उनको आपने प्लस करना है और उतनी ही रोज आपने ऊपर तक बुनाई करनी है ठीक है जैसे मेरे साथ यहां आए साथियां आए तो चौदह हो गए तो फोर्टीन रोज ही मैंने इसकी बनाई है वो आपको इस तरफ भी ऐसा ही करना है और जब आप दूसरे पांव की सॉक्स बनाओगे तो इस तरफ भी आपको इसी तरह से ही फोर्टीन रोज इसकी बना लेनी है और इधर वाले आपको नहीं बनाने हैं तो ये मेरे ए, राइट पाओ की सॉरी सौ, ये मेरे लेफ्ट पाओं की सॉक्स है ठीक है तो अब उसके बाद हमने क्या करना है यहां पर आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो अब देखिए अब हमने इसकी बुनाई किस तरह से करनी है बहुत ध्यान से देखिएगा यहां पर तो अब हमारे पास यहां पर हैं टोटल 22 फंदे और इनको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड करना है जैसे कि मैंने पहले बताया तो तीन हिस्सों में जब हम डिवाइड करते हैं तो साथिया हो गया 21 और प्लस एक 22 तो मतलब बीच में हमारे रहेंगे आठ फंदे और दोनों साइडों में हमारे रहेंगे सात सात फंदे तो देखिये इस तरह से दो चार छ और एक साथ ठीक है और साथ इधर से रहेंगे दो चार छ और एक साथ और बीच में हमारे बचेंगे आठ फंदे देखिए दो चार छ और ये दो आठ तो यहां तक देखिए हम पहले इन फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे यहां तक हमने इन फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है मतलब कितने फंदे हमने यहां पर उल्टे बनाने हैं दो चार छ दो आठ दस बारह और ये चौदह चौदह फंदे हम यहां पर पहले उल्टे उल्टे बना लेंगे इस तरह से क्योंकि रॉन्ग साइड है तो इन फंदों को हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे इस रो को टू यहां पर हम एडी की शेप दे रहे हैं थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन और ये फोर्टीन ठीक है ये चौदह फंदे हमने बना लिए मतलब सात हमने इधर के बनाए और सात हमने बीच के बनाए ठीक है जो क्योंकि सात फंदे हमारे यहां पर हैं और आठ फंदे हमने हमारे बीच में होंगे लेकिन जो आठवां फंदा है देखिए सेंटर का जो आठवां फंदा है और जो इधर का सातवां फंदा है यहां से देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन और इधर से आठवां फंदा इन दोनों का हमने दो का एक करना है दोनों को एक साथ हमने उल्टा बनाना है इस तरह से उल्टा बना लिया अब यहां से हम टर्न हो जाएंगे देखिए यहां से ही टर्न हो जाएंगे इधर वाले फंदे नहीं बनाएंगे अब यहां से हमने फंदे बनाने हैं ये वाले फंदा उतार लिया ठीक है अब इधर का देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात ये देखिए ये सातवां और ये फंदा इन दोनों को हमने दो का एक करना है यहां पर हमने इन दोनों का दो का एक करना है और बाकी ये देखिए एक ये पहला फंदा एक हमने उतार लिया देखिए उसके बाद एक दो तीन चार पांच ठीक है ये फंदे हम बनाएंगे और बाकी इन दोनों का हमने दो का एक करना है ये देखिए उतारा अब इसके बाद छह फंदे हम बनाएंगे एक दो तीन चार पांच और ये छ अब देखिए यहाँ का सातवां देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हर बार देखिए इधर का आठवां फंदा ठीक है और इधर का एक एक फंदा हमने लेते जाना है हर रो में इसको देखिए पहले सीधा करेंगे इस तरह से और इन दोनों का पीछे की तरफ से दो का एक कर लेंगे ये दो का एक कर लिए राइट साइड में हमारा इस तरफ दो का एक होगा और रॉन्ग साइड में हमारा इधर दो का एक होगा फिर यहीं से ही हम टर्न हो जाएंगे पहले को उतारेंगे अब आपको पता चल जाएगी कि कहा आपने दो का एक करना है फिर से देखिए एक दो तीन चार पांच छे यहाँ पे देखिए गैप आपको मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमने दो का एक करना है ये जहां पर जो हमने दो का एक किया था एक ये आठवां फंदा लेना है जो सेंटर वाला है वो आठवां फंदा लेना है और इसके साथ इधर का फंदा इन दोनों का हमने दो का एक करना है ये देखिए इस तरह से फिर यही से ही हम टर्न हो जाएंगे चाहे आप किसी के लिए भी सॉक्स बना रहे हो बस रूल यही रहेगा इस फंदे को आपने स्लिप कर लेना है फिर फिर से देखिए एक फंदा स्लिप किया ये दो हो गए तीन चार पांच छ सात अब ये आठवां फंदा और इसके साथ ही आगे वाला फंदा है। इन दोनों का दो काय करना है लेकिन सबसे पहले इस फंदे को इस तरह से सीधा करेंगे और फिर आगे वाले फंदे के साथ इसको पीछे की तरफ से दो एक कर लेंगे फिर यहीं से ही हम टर्न हो जाएंगे अब इसी तरह से हम बनाते जाएंगे जब तक कि हमारे पास ये सिर्फ जो सेंटर के आठ फंदे हैं वही नहीं बच जाते देखिए छ सात अब यहां पर देखिए फिर से ये आठवां फंदा और ये आगे वाला फंदा इन दोनों का हमने दो का एक करना है और यहीं से ही हमने फिर से टर्न हो जाना है तो बहुत सिंपल है एडी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है इसी तरह से यही रूल रहा चाहे आप बड़े को बना रहे हो चाहे आप छोटे बच्चे को बना रहे हो किसी को भी बना रहे हो बहुत आराम से आप सॉक्स बना लोगे ये देखिए इस तरह से इसको सीधा करेंगे फिर इन दोनों का पीछे की तरफ से दो का एक कर लेंगे ये देखिए पर हर बार जो आठवां फंदा है उसके साथ हमने आगे वाला फंदा लेना है और दो का एक कर लेना है इसी तरह से बीच वाले सिर्फ आठ फंदे ही हमारे रहेंगे ये देखिए इस तरह से सात ये आठवां फंदा और इसके साथ ही आगे वाला फंदा इन दोनों का दो का एक करेंगे फिर यहीं से ही टर्न हो जाएंगे तो इसी तरह से आप कर लीजिए जब तक कि आपके पास सिर्फ ये आठ फंदे नहीं रह जाते तब तक आपको इसी तरह से ही इसको घटाते जाना है तो इस तरह से देखिए मैंने यहां पर मेरे अब आठ फंदे ही यहां पर रह गए हैं और एडी की शेप भी देखिए हमारी यहां पर आ गई है ये यह देखिए यहां पर आपको दिख रही होगी तो इस तरह से हमने यहां पर ये शेप दे ली है और पूरे मेरे पास देखिए दो चार छह आठ सिर्फ हमारे सेंटर के फंदे ही रहेंगे बाकी हमारे जो इधर उधर हमने रखे थे डिवाइड करके तीन हिस्सों में वो हमारे यहाँ पर पूरे खत्म हो जाएंगे पूरे बंद हो जाएंगे तो इसी तरह से आपने पूरी चाहे आप छोटे को बना रहे हो चाहे बड़े को बना रही हो इसी तरह से बनानी है अब उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा उसके बाद हमने क्या करना है तो क्योंकि मैंने यहां पर देखिए दो काय किया है अब इसरो को मैं पूरा उल्टा बना लूंगी ये ये आठ फंदे पूरे आगे को मैं उल्टा बना लूंगी रॉन्ग साइड मेरी आ रही है तो इसको मैं पूरा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लूंगी ये देखिए ये कर लिया अब यहां से नीचे जहां से देखिए हमने ये उठाना स्टार्ट किए थे ये देखिए यहां से यहाँ से हमने क्या करना है सात फंदे नीचे तक उठाने फंदे कहाँ से उठाना स्टार्ट करेंगे जहां हमने जो फोर्टीन रोज बनाई थी देखिये यहां से हम फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे तो ये रॉन्ग साइड हमने बना ली अब हम यहां से फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से एक हो गया हर जो चेन बनी हुई है उसमें से हम फंदा उठाएंगे दो तीन चार पांच ये छे और ये यहां पर देखिए सात इस तरह से हमने देखिए यहां पर सात फंदे बना लिए हमने यहाँ से हमने सात फंदे उठा लिए अब जब दूसरी इस सिलाई को हम पूरा बना लेंगे जो आगे वाले बाईस फंदे हैं यहाँ पर हमारे पास बाईस फंदे हैं इनको भी हम इसी के साथ अब ये रो पूरी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे ये बाईस फंदे जो इधर के हमने नहीं बनाए थे एक साइड में हमने एडी की शेप दी तो इन बाईस फंदों को हम पूरा बना लेंगे तो अब देखिए मैंने यहाँ पर ये रोंग साइड से रो बना ली है ये जो बाईस फंदे थे इधर के वो भी मैंने बना लिए हैं अब इस रो को पूरा हम यहाँ तक बना लेंगे जितने भी हमारे फंदे होंगे टोटल ये इन पूरों को हम बना लेंगे यहाँ तक तो यहाँ तक देखिए आपके पास होंगे थर्टी सेवन फंदे थर्टी सेवन फंदो को आपने बना लेना है इधर ऐसे ही सीधा बना लेना है पूरा या आप अगर कोई डिजाइन डाल रहे हो तो उसके साथ भी इस रो को आप बना सकते हो उसके बाद मैं आगे बताती हूँ आगे हमने क्या करना है तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरे थर्टी सेवन फंदे बना लिए हैं सीधे सीधे बनाए हैं मैंने यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर भी हम नीचे सात फंदे उठाएंगे देखिए सात फंदे हम सेम वैसे ही उठाएंगे जैसे हमने इधर बनाए वैसे ही हम सात फंदे इधर भी उठाएंगे सात फंदे इधर भी बनाएंगे तो हमारे पास ये पूरे फिर फोर्टी फोर स्टिचे हो जाएंगे अब किस तरह से उठाने हैं आपको फंदे देखिए ये भी आपका क्वेश्चन रहेगा कि किस तरह से हम ये फंदे उठाएंगे बड़ों के लिए बना रहे हो या छोटो के लिए बना रहे हो तो जैसे मैंने बताया आपको जितने फंदे हमने कम किए हैं जैसे हमने डिवाइड किया था फंदे एडी बनाते समय सात सात फंदे हमारे साइड में हुए थे तो दोनों साइड के अगर जोड़ेंगे तो 14 हो जाएंगे ठीक है तो जितने फंदे टोटल हमारे ऊपर रहेंगे यहां पर हमने 44 स्टिचेस लगाए थे तो बाद में एडी बनाने के बाद वो पूरे आपके 44 स्टिचेस ही रहने चाहिए बाद में भी तो वो हम फिर यहां से सात उठा ले मैंने इस तरफ से और सात यहां से उठाएंगे तो पूरे हमारे पास ये फोर्टीन फंदे फिर हो जाएंगे जितने हमने कम किए थे वो हमारे यहाँ पर पूरे हो जाएंगे तो इस तरह से आप सात फंदे यहाँ पर उठा लीजिए जो चेन बनी है उस पर आप बड़े आराम से फंदे उठा लोगे जितने भी आपके कम हुए हैं वो पूरे आपके यहाँ पर हो जाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पूरे 44 फोर स्टिचेस हो गए हैं अब जितने फंदे हमने यहां पे लगाए थे उतने ही फंदे हमारे यहां पर हो गए हैं और यहां पर देखिए हमारी एडी भी ये बन गई है अब इसके बाद हमने सिंपल बनाना है जैसे भी आप डिजाइन डाल रहे हो ये डिजाइन भी मैं आपको बनाना बता देती हूँ जैसे अगर आप इस तरह से डबल डिजाइन में बनाते हो तो आपकी सॉक्स भी ज्यादा गर्म बनती है तो ये डिजाइन मैंने किस तरह से डाला है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी तो अब हमने सिंपल जितना आपका पाओ का साइज है ठीक है उतना ही आपको बनाना है उसे थोड़ा सा कम जैसे पंजा आगे हमारा किस तरह से बनता है वो आगे मैं बताऊंगी आपको उसे कम थोड़ा सा आपको बनाना है पंजे तक आपको बना लेना है ठीक है बाकी पंजा हमारा आगे उसकी शेप में अलग से आपको बताना बताऊंगी अभी आगे इसी वीडियो में ही तो पहले आप वहां तक आप बना लीजिए जिस भी डिजाइन में आप बनाना चाहते हो अब सिंपल हमने बनाना है ये रॉन्ग साइड से पूरी रोल्टी बना लेंगे उसके बाद हम पंजे तक जैसे भी सिंपल बनाना चाहते हो सिंपल बनाइए या अगर आप डिजाइन के साथ बनाना चाहते हो डिजाइन के साथ तो यहां पर देखिए मैंने इसको पूरा बना लिया है पूरी लेंथ मैंने इसकी बना ली है जितनी भी हमारी पाओं की लेंथ है और इससे आगे अब हम टो तो वाला हिस्सा बनाएंगे तो वो किस तरह से बनाएंगे यहां पर ध्यान से देखिएगा जितनी भी आपकी पाओं की लेंथ है उतना आप बना लीजिए देखिये एडी से मैंने इतना इसको आगे तक बनाया है अब यहां पर हम टो तो की जो शेप है वो किस तरह से देंगे वो ध्यान से देखिएगा किस तरह से देनी है तो सबसे पहले जितने भी आपके टोटल फंदे होंगे उसका आपने आधा कर लेना है जैसे कि देखिए मेरे यहां पर 44 स्टिचेस है तो इसका मैं आधा कर लूंगी तो इसका आधा हो गया हमारा 22, 22, 22 इस तरफ हमारे फंदे होंगे और 22 इस तरफ हमारे फंदे होंगे तो जो 22, बाईस फंदे हम रखेंगे उसमें देखिए क्या करेंगे तो देखिए दो फंदे हमने यहाँ पे कम करने हैं और ये लास्ट का फंदा से पहले दो का एक हम यहां पे करेंगे और जहां पे देखिए बाईस फंदे होंगे मैं पहले आपको क्लियर कर देती हूं देखिए यहाँ पर दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस और ये बाईस बाईस फंदे हमारे इस तरफ हैं और बाईस फंदे हमारे इस तरफ हैं तो जो बाईस बाईस फंदे हैं हमारे उसमें दो यहां पे देखिए ये एक फंदा छोड़कर आगे वाले दो फंदों का एक करेंगे और इधर भी दो फंदों का एक करेंगे और जो इधर वाले बाईस फंदे हैं उसमें देखिए एक फंदा बना के यहाँ पर दो फंदों का एक किया और फिर यहां पर भी हमने दो फंदों का एक फंदा बनाना है इस तरह से हम बनाएंगे इसको दो तो पाओ की शेप हम इस तरह से देंगे तो आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी मार्कर भी आप लगा सकते हो या आप चाहे ऐसे काउंट करके भी बना सकते हो ठीक है तो अब चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं राइट साइड से जब आपका टो तो तक हो जाए ठीक है तब हम इसकी टो तो की शेप देंगे आगे टो से थोड़ा पीछे हो जाए जब आपकी तो अब यहां पर हम देंगे तो क्या करेंगे देखिए एक फंदा हमने उतारा अब आगे वाला फंदा सीधा करेंगे और यहां पर हमने दो का एक कर लेना है इस तरह से देखिए हमने दो का एक कर लिया अब देखिए ये एक दो तीन हो गए चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम काउंट कर लेंगे पहले अगर आपने मार्कर लगाया है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मार्कर नहीं लगाया तो काउंट कर लीजिएगा दो चार छह आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस और ये बाईस बाईस फंदे हमारे इस तरफ हैं अब बाईस ही फंदे हमारे इस तरफ होंगे तो यहां पर भी जो आगे वाले दो फंदे हैं देखिए यहां पर वन और टू इन दोनों का हमने दो कैक कर लेना है ये हमारे बाईस फंदे इस तरफ हो गए अब यहां वाले बाईस फंदों में भी वैसे ही करना है ठीक है तो किस तरह से करेंगे इस फंदे को सीधा करेंगे ऐसे और इन दोनों फंदों का दो कैक कर लेंगे इस तरह से दो कैक कर लिया अब पूरी रो इसको आगे तक सीधा बना लेंगे सीधी तरफ से ये देखिए इस तरह से हमने पूरा इसको सीधा बना लेना है पूरा सीधा बना जो को लास्ट तक देखिए हम सीधा बना लेंगे यहां पर मैंने दो का एक नहीं किया क्योंकि ये हम रॉन्ग साइड से करेंगे देखिए यहां पर ये कर लिया अब रॉन्ग साइड पे आ जाइए तो इसमें पहले वाला फंदा उतारेंगे अब यहां पर हमने दो का एक करना है ये देखिए एक फंदा और एक आगे वाला फंदा इन दोनों का हमने दो का एक कर लिया अब ये पूरी रो हमने उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करनी है सिर्फ जो रॉन्ग साइड है उसमें हमने यहां पर ही दो का एक करना है यहां पर नहीं करना है राइट right साइड में रॉन्ग साइड में हमने यहां पर दो का एक करना है बाकी फिर पूरी रो हमने ये उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करनी है ये हर बार हमने ऐसे ही करना है और रॉन्ग साइड में जब तक कि हमारे पास इसमें सिक्सटीन फंदे नहीं रह जाते ठीक है तब तक हम इसी तरह से इसको पूरा आगे तक उल्टा बनाएंगे और यहां पर ही हमने दो का एक करना है बाकी पूरे फंदे हमने सिंपल उल्टे ही बनाने हैं तो रॉन्ग साइड से देखिए मैंने पूरी रो ये कंप्लीट कर ली है अब राइट साइड पे आ जाइए तो अब हमारे पास देखिए पहले हमारे 22 टू स्टिचेज इधर थे और 22 टू स्टिचेज इधर थे तो दो दो फंदे हमने कम किए तो अब हमारे पास 20 फंदे इस तरफ हैं और 20 फंदे हमारे इस तरफ हैं तो अब फिर से देखिए पहले फंदे को उतारेंगे एक फंदा उतारा अब आगे वाले फंदे का फिर से हमने दो का एक करना है इस फंदे को सीधा करेंगे और इन दोनों का पीछे की तरफ से दो का एक बना लेंगे फिर यहां पर देखिए अठारह फंदे सीधे बनाएंगे ये वन बन, टू थ्री हो गए फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन सेवनटीन ही फंदे हमने यहां पर पूरे सीधे बनाने हैं यहां से हम काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन अब यहाँ पर आपको पता लग जाएगा देखिए जहां पर हमने दो काय किया है ये देखिए। ये वो वाला फंदा है जो दो काय किया था तो इसका हमने यहाँ पर फिर से दो काय करना है देखिए इस तरह से दो काय करेंगे आगे की तरफ से फिर यहां पर फिर से वैसा ही करना है यहां पर फिर से हमने दो का एक करना है तो इस फंदे को सीधा करेंगे इस तरह से और फिर इन दोनों का पीछे की तरफ से दो का एक बना लेंगे ये देखिए दो का एक बना लिया फिर आपका सेंटर पे इस तरह से आपको पता चल जाएगा अब आपके आगे आपको मार्का लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां पर ही हमारा हर बार ये इधर से फंदे भी कम होते जाएंगे और इस तरफ से भी हमारे फंदे कम होते जाएंगे बाकी हमने ये पूरी रो सीधी बनाते हुए कंप्लीट कर लेनी है और हर बार फंदे हमने इसी तरह से ही घटाने हैं इसी तरह से हमने करना है जब तक कि हमारे पास ये टोटल 16 फंदे नहीं रह जाते ठीक है हमारे पास अभी जैसे हम फंदे कम करेंगे चार फंदे हमारे एक सिलाई में कम हो रहे हैं चार दूसरी सिलाई में कम हुए तो हमारे पास इसी तरह से करते हुए जब हमारे पास ये सिक्सटीन फंदे रह जाएंगे तब हमने फिर इनको बंद करना है तो तब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से फिर हमने इनको बंद करना है तो देखिए यहां पर अब यहां पर क्या करना है ये फंदा उतारा अब आगे वाले दो फंदों का हमने दो का एक करना है बाकी ये पूरी सिलाई हम अब उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे ये देखिए सिंपल इसी तरह से करेंगे पूरा तो इसरो को पूरा आप उल्टे बनाते हुए कंप्लीट कर लीजिए राइट right साइड पे आ जाइए देखिए तो फिर ऐसे ही करते हमने जाना है जब तक कि हमारे पास सोलह फंदे नहीं रह जाते फिर से आपको एक बार बता देती हूं कैसे करना है पहले फंदे को बनाया अब आगे वाले दो फंदों का दो का एक करेंगे फंदे को सीधा करेंगे फिर इन दोनों को पीछे की तरफ से दो का एक बना लेंगे ये बना लिया फिर आप फिर से देखिए बीच के फंदे बनाएंगे यहाँ तक देखिए ये हमारा दो का एक था ये आपको सीधा दिख जाएगा अब इस तरह से इधर वाले तो यहाँ ये यह दो वाले फंदे हम दो कैक करेंगे और इधर वाले फंदों का दो का एक करेंगे ठीक है तो यहाँ तक हमने फंदे सीधे बना लेने हैं देखिए है, इस तरह से हम फंदे सीधे बना लेंगे तो सारा हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है आगे तक आप बना लीजिए जब तक कि आपके पास सोलह फंदे नहीं रह जाते तब तक आप इसी तरह से बना लीजिए तब तक देखिए आप इसी तरह से बना लीजिए इसको सीधा सीधा ही ये देखिए यहाँ पे ये सीधा वाला फंदा है जो हमने दो का एक किया था तो यहाँ पर हमने इसका दो का एक करना है और फिर अब इस आगे वाले फंदे को सीधा करेंगे इस तरह से फिर फिर से हमने दो का एक करना है पीछे की तरफ से तो अब इसी तरह से आप बना लीजिए जब तक कि आपके पास 16 फंदे नहीं रह जाते अब यहां पर पूरी रो सीधी बनेगी और रॉन्ग साइड में हमारा यहाँ पर दो का एक एक फंदा उतार के दो का एक यहाँ पर होगा तो इसी तरह से आपने आप ये पूरा कम्पलीट कर लीजिए सोलह फंदे जब तक आपके पास नहीं रह जाते तो यहां पर देखिए मैंने इसको पूरा बना लिया है अब मेरे पास यहाँ पर 16 फंदे रह गए हैं तो यहाँ पर मैं आपको काउंट करके भी बता देती हूं देखिए दो चार छ दो आठ और दो चार छः दो आठ तो आठ फंदे मेरे इस तरफ को हैं और आठ फंदे मेरे इस तरफ को हैं इस तरह से मेरे पास यहाँ पर सोलह फंदे ये रह गए हैं अब हमने क्या करना है अब मैं आठ फंदे दूसरी सिलाई में उतार लूंगी इस तरह से देखिए टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये एट आठ फंदे मैंने इस सिलाई में ले लिए और आठ फंदे ही हमने इस सिलाई में रखने हैं अब इनको हमने ऐसे करना है अब आप चाहे तो इनको स्टिचिंग भी कर सकते हो सिलाई से भी इनको सिल सकते हो इस तरह से जैसे हम सिलाई से तीसरी सिलाई से बंद करते हैं वैसे भी कर सकते हो और आप चाहे तो इनको सुई से भी बंद कर सकते हो इस तरह तो देखिए किस तरह से हम करेंगे सुई में हमने धागा डाल लेना है ये सुई में हमने धागा डाल लिया अब उसके बाद हम क्या करेंगे एक फंदा इस सिलाई से लेंगे देखिये निटवाइज जैसे हम सीधा बुनते हैं वैसे हम लेंगे और इसको सिलाई में इस सुई में उतार लेंगे इस तरह से फिर आपने इस तरह से धागे को खींच लेना है ये देखिए इस तरह से अब दूसरा फंदा हम इधर से पकड़ेंगे दूसरी सिलाई से और इसको हम पर्लवाइज लेंगे जैसे हम उल्टा बुनाई करते हैं ये देखिए इस तरह से लेंगे फिर ये जो बुना हुआ फंदा सॉरी ये जो स्लिप किया था हमने देखिए इसमें से हमने सुई को क्रॉस कराना है देखिए इस तरह से हम क्रॉस कराएंगे और फिर यहां पर फिर से हमने वैसे ही करना है देखिए इसको उतार देंगे तो इस तरह से देखिए मैंने यहां पर इनकी सिलाई कर ली है अब हमने इसको ये जो हमारी सॉक्स है इसको यहां से सिलाई करनी है और आप चाहे तो उसको रॉन्ग साइड से भी सिल सकते हो और आप चाहे तो उसको राइट साइड से भी सिल सकते हो तो अब यहां से हम इसकी सिलाई करेंगे ऊपर तक देखिए इस तरह से हमने इसकी सिलाई करनी है ये पूरी जो साइड हमारी खुली है इसको हमने पूरा ऊपर तक बंद कर देना है तो मैं यहाँ पर राइट साइड से सिलाई कर रही हूँ तो राइट साइड से सिलाई कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ वैसे मैंने पहले ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना के रखी है कि हम जो इनविजिबल जो सिलाई होती है स्वेटर की वो किस तरह से करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको बीच में देखिए यहाँ पर आपको स्पेस दिख जाएगा मतलब जो उल्टे धागे होंगे वो दिख जाएंगे तो वही हमने पकड़ने हैं यहाँ पर देखिए दो धागे हम इस तरफ से पकड़ेंगे दो धागे हम इस तरफ से पकड़ेंगे इस तरह से और दो धागे हम दूसरी तरफ से पकड़ेंगे ये देखिए इस तरह से और इसी तरह से हम ऊपर तक इसकी सिलाई करेंगे अब आप चाहे तो सिलाई दूसरे तरीके से भी कर सकते हो अगर आप रॉन्ग उल्टी तरफ से सिलना चाहते हो आप वैसे भी सिलाई कर सकते हो ये देखिए मैं इसी तरह से सिलाई करूंगी अगर आप इस तरह से सिलना चाहते हो तो इस तरह से भी सिलाई कर सकते हो तो इस तरह से देखिए मैंने यहां पर सॉक्स की सिलाई कर ली है और इस तरह से हमारी सॉक्स बनकर यहां पर तैयार हो गई है सो आई होप आपने मेरा ये वीडियो इंजॉय किया होगा आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इसी तरह से आप सीखते रहिए नए नए ट्यूटोरियल थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय